लव्य व्यवस्था अध्याय 18। लव्य व्यवस्था अध्याय 18। भांति भांति के घिनौने कामों का निषेध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। तुम में से कोई भी अपनी किसी निकट कुटुंबिन का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूं। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती व अपनी नतीनी का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता के उत्पन्न हुए वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी की स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को व उसकी नतीनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने कृत्य के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूं। स्त्रीगमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूं, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाए। वह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है
उनमें से किसी पर न चलना और न उसके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।